यार जब ना इंसान सारे रास्ते भटक के मोह माया से बोर हो जाता है तो उसे सिर्फ एक ही द्वार याद आता है, हरिद्वार। हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी अलग है बिकॉज जनरली मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ या दोस्तों के साथ ट्रैवल करता हूँ। इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और हम लोग आए हैं हरिद्वार। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या क्या घाट है जो आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप हरिद्वार आते हो, कहाँ पे पार्किंग करनी है, कहाँ पे आप रह सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे मनसा देवी टेम्पल। गाइस, ये है मेरा छोटा भाई हर्षित। हेलो यार, हेलो, क्या हाल है सभी के। इसका एक यूट्यूब चैनल है HGV व्लॉग्स करके। सो बेसिकली भाई अपना साइकिलिस्ट है, तो अगर आप लोगों को साइकिलिंग कंटेंट देखना है या घूमने फिरने वाला ट्रैवलिंग कंटेंट देखना है तो आप इसके चैनल में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी भाई। हाँ। जरूर देखना है, जरूर चेकआउट करना। हाँ, ठीक है ना। और बाकी फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में आपको देखने को मिलेगा कि अभी कुंभ की क्या क्या तैयारियां हैं वहाँ पे, क्योंकि महाकुंभ भी चल रहा है और 2021 में जो होना है बल चल ही रहा है, जनवरी से स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। तो शाही स्नान कुछ कुछ डेट्स में होने हैं, जैसे शिवरात्रि को भी है एक शायद। तो अभी वहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे, इस रोड को जो है, जिस रोड में हम चल रहे हैं। जिस और यार, इस वीडियो में आपको पूरी कुंभ 2021 में जो होने, कुंभ मेला लगने वाला है हरिद्वार पे। हाँ। उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ। और हो सके अपने दोस्तों को ये वाली वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके कुंभ 2021 में क्या क्या प्लेस है, किस जगह पे पार्किंग है और सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। सो बेसिकली जिस रोड में हम जा रहे हैं ये हर की पौड़ी वाली रोड है, ये मार्केट वाली है, मेन मार्केट वाली। ये अभी बंद करी हुई है, इसमें फोर व्हीलर नहीं एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ टू व्हीलर जा रहे हैं और ऑटो वगैरह जा रहे हैं, तो आप पैदल इसमें जा सकते हो। और एक और अच्छी चीज़ ये बताई हर्षित भाई ने मुझे, क्योंकि ये पहले कई बार आ चुका है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अंदर आ रहा हूँ इसे एक्सप्लोर करने के लिए, कि जब भी आप एक्सप्लोर करने जाओ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स हैं और घाट वगैरह हैं, तो आप चप्पल पहन लो सबसे बेस्ट। बिल्कुल भाई, अगर शूज आप पहन के एक्सप्लोर करते हैं ये जगह, तो भाई हर जगह आपको शूज उतारने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 मंदिरों पर जाते हैं। सो गाइस, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ उस चौराहे पे जहाँ पे अभी मैं बताऊँगा आपको कहाँ पे है, वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है और हम लोग हर की पौड़ी पहुँच गए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देखोगे, ये अभी थोड़ा गंगा का लेवल, जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा कम भी दिख रहा है, तो नहाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं घाट को और उसके बाद यहाँ पे डुबकी लगाएंगे। तो गाइस, हर की पौड़ी में हम लोगों ने स्नान वगैरह कर लिया है और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं विष्णु घाट, जो कि इसी घाट से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे जो घंटा घर है इसी मेन रोड में, जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे एक घंटा घर है बीच में, तो इसी वे में अगर आप सीधे जाओगे तो विष्णु घाट पहुँच जाते हो। तो अभी बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिकॉज ऑफ कुंभ मेला, और इसीलिए मैं कई जगह पे शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। आई होप अभी आपको क्लियर आ रही है। गाइस, ये मेरा छोटा भाई, आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, जो मुझे जब हम केदारघंटा के ट्रैक के लिए जा रहे थे मुझे छोड़ने के लिए आया था। अगर आपने केदारघंटा वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स अ ट्रैक, इट्स अ बेस्ट विंटर ट्रैक इन उत्तराखंड। सो अभी हम हैं हर की पौड़ी में और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो घंटा घर है। तो गाइस, हर की पौड़ी का जो मेन घाट था वहाँ से अगर आप 5 मिनट चल के आते हो तो यहाँ पे गौ घाट मिलता है। गौ घाट की मान्यता यह है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्नान कर लेता है उसको इवन गौ हत्या से भी मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे जने होता है और यहाँ पे वो टॉप में आप देखोगे पहाड़ में वो मनसा देवी टेम्पल भी दिख रहा है। तो फिलहाल अभी हम गौ घाट में हैं और गौ घाट से जा रहे हैं विष्णु घाट, ऐसे ही धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हालांकि अभी इतनी भीड़ नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे कुंभ की वजह से काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है।
सो गाइस गौ घाट के बाद एक छोटा सा ब्रिज पड़ता है यहाँ पे, उसको अगर आप क्रॉस कर लोगे तो आप विष्णु घाट में पहुँच जाते हो। सो बेसिकली एक छोटा सा घाट है यहाँ पे, यहाँ पे एक विष्णु भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर है, तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की कि काफ़ी पहले ज़माने में कभी विष्णु भगवान ने यहाँ पे वास किया था, तो इसीलिए घाट फेमस है। वैसे कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, छोटा सा घाट है। और एक इवन यहाँ पे एक ओयो रूम का एक होटल भी है, छोटा सा ओयो रूम है या गो स्टेस कुछ ऐसे करके, न्यू आदित्य करके होटल है। सो अगर आप लोगों को शांति में शाम को बैठ के यहाँ पे गंगा में टाइम स्पेंड करना है तो उसके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं होगी जैसा कि आप देख सकते हो। अभी हो सकता है शाम को आरती के टाइम पे थोड़ी भीड़ हो, बट यहाँ पे बहुत शांति आपको मिलने वाली है। सो गाइस जितने भी घाट है ना, यहाँ पे आपको सारे सुवीरियर्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको खरीदने हैं तो, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे भी मैं भी देख रहा था, काफ़ी सारे सिक्के वगैरह अवेलेबल हैं अगर आपको यू नो हिस्टोरिकल चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अगर आप चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लग गई है, तो कुछ खाते पीते हैं फिर जाते हैं नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस जो विष्णु घाट वाली मार्केट है वहाँ से अगर आप हर की पौड़ी वाली मार्केट में आते हो तो आपको हरिद्वार की मेन मार्केट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक अमृतसरी रेस्टोरेंट है, अमृतसरी वैष्णो होटल है बेसिकली। तो हम यहाँ पे अभी लंच करने के लिए रुके हैं, चलिए चलते देखते हैं अंदर कैसा है रेस्टोरेंट और क्या क्या है खाने के लिए यहाँ पे। सो गाइस लंच में हमने मंगाया है पनीर कलेजी नाम है। सो गाइस लंच में हमने मंगाया है पनीर कलेजी और साथ में दाल फ्राई और रोटी। तो अभी फिलहाल हम कर लेते हैं लंच यहाँ पे। सो गाइस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हर की पौड़ी की तरफ मार्केट से, जो मेन मार्केट है, और यहीं पर मनसा देवी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ये भी यहीं पर है, आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, यहीं से आपको मनसा देवी के लिए अगर जाना है तो यहीं से रास्ता भी। तो गाइस अभी हम गलियों के पीछे शॉर्टकट लेके निकल रहे हैं, जो हर्षित भाई है हमारा जे व्लॉग्स वो पहले आया हुआ है तो हमें शॉर्टकट ले जा रहा है ताकि हम जल्दी पहुँच जाएँ। तो मैं बोल रहा था कि यार जो जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया ना, वो रेस्टोरेंट का खाना ठीक था और रेट भी काफ़ी इकोनॉमिक थे। हम लोग पाँच है, पाँच लोगों ने खाना खा लिया 800 रुपये में भरपेट, और पनीर जो मैंने आपको वैरायटी दो पनीर खाए, काफ़ी अच्छे तरीके से खा लिए, काफ़ी सही था। आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो, टेस्ट भी मुझे ठीक लगा। तो गाइस इस तरह से हम लोग पंडित जी पूरी वाली गली से होते हुए पूरी हरिद्वार की मेन मार्केट होते हुए अभी वापस हर की पौड़ी पहुँच गए हैं। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हमें दक्ष महादेव जाना था, बट दिन में जैसे ही हम होटल पहुँचे अपने इतनी ज़्यादा थकान लगी हुई थी कि झड़ से नींद आ गई और अभी नींद खुली है। अभी अराउंड 5:30 हो रहा है और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं आरती देखने के लिए, तो दक्ष महादेव में भी अगर कल टाइम लगा तो कल ज़रूर जाएंगे। तो मीनवाइल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो आपको अगर दो ऑप्शन है, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो और अगर भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि कुंभ के टाइम में अगर आप आते हो तो आपकी पार्किंग भारी हो जाएगी, कहीं जो हर की पौड़ी की एंट्री पॉइंट है या उससे भी पहले चंडी वाला पुल है वहाँ के आसपास आपको पार्किंग मिल जाएगी। अगर आपको अंदर एंट्री मिलती है तो आप किसी होटल में भी पार्क कर सकते हो गाड़ी, और जो यहाँ पे होटल का ऑन एवरेज कॉस्ट है वो आपको 600 से 800 रुपये पर नाइट का पड़ जाएगा, वो एज़ पर दी सीज़न ऊपर नीचे होते रहता है। हम लोगों को 1200 रुपये में 5 लोगों के लिए एक बड़ा सा 5 सीटर वाला रूम मिल गया था। तो फिलहाल अभी हम आरती देखने जा रहे हैं। सो गाइस मैं अभी फिर से ये घंटाघर के पास आ गया हूँ जो आपने दिन में देखा था। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 6:45 आरती शुरू होती है हर की पौड़ी वाले घाट पे, तो अगर आप लोगों को आरती बहुत अच्छे से देखनी है, अच्छा व्यू लेना आरती का, तो आप यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे आ जाइए, बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, यहाँ पे आके जगह घेर सकते हो, तो यहाँ से फ्रंट व्यू दिखेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी बैठ के वेट करते हैं आरती का, और उसके बाद आप स्मरणं
से गंगा माँ की भव्य आरती समाप्त होती है यहाँ पे। आपको कैसी लगी आरती मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर, खाना खा के सो जाएंगे, सुबह कल जाएंगे मनसा देवी मंदिर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ कल सुबह। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून टुमारो। सो गाइस हम लोग चढ़ गए ट्रॉली में और इसके जस्ट बगल में जाता है।